आप सभी लोगों ने टीना डाबी का नाम सुना होगा ये 2016 हजार सोलह इन्होंने क्लियर किया हुआ था और उस समय टॉपर रही थी और उस समय आपने देखा होगा 2018 में भी ये काफ़ी सुर्खियों में रही थी काफ़ी चर्चा में बनी हुई थी जब इन्होंने अतहर खान से शादी की हुई थी और आप देखेंगे इनकी शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी दो में इन्होंने आपसी सम्... आपसी सहमति से तलाक भी लिया था 2020 में ये दोनों अलग भी हो गए थे अभी आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर या आप देखिए कि आप लोग टीवी चैनल्स देख लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए ये फिर से टीना डाबी चर्चा में आ चुकी हैं। चर्चा में आने का कारण ये है कि ये दोबारा शादी करने जा रही हैं किनसे शादी कर रही हैं प्रदीप गवांडे से किनसे प्रदीप गवांडे से और आपको बता दूं ये तो 2013 बैच की आई अधिकारे हैं कौन प्रदीप गवांडे तो हम लोग बात कर लेंगे प्रदीप पर आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार का आरोप भी लग चुका है तो कुछ पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं देखिए प्रदीप हैं और टीना डाबी और ये आप देखिए टीना डाबी के पहले पति है ठीक है और आपको बता दूं कि वर्ष 2016 बैच की यूपीएससी टॉपर आई अधिकारी टीना डाबी एक बार फिर अपने निजी जीवन को लेकर सुर्खियों में आ चुकी हैं और इस बात की जानकारी खुद टीना डाबी ने सोशल मीडिया पर दी हुई है किस बात की शादी को लेकर और आपको बता दूं कि इनके जो पति बनने जा रहे हैं प्रदीप गवांडे ये उम्र में तेरह साल बड़े हैं टीना डाबी और इनकी उम्र में तेरह साल का अंतर है और राजस्थान कैडर के, के आई अधिकारी हैं और मेडिकल क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं फिलहाल वह ऑर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स मुजी, राजस्थान में डायरेक्टर हैं प्रदीप और टीना डाबी की उम्र के फासले की बात करें तो ये तेरह साल है और आपको टीना डाबी का जन्म 9 नवंबर उन्नीस में हुआ था कब 9 नवंबर उन्नीस में और आपको बता दूं कि ये प्रदीप गवांडी ये 2013 हजार तेरह बैच के आई आई अधिकारी हैं और प्रदीप फिलहाल आपको बता चुका हूं कि इनका जन्म 9 दिसंबर 1980 को हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप निकालें तो तेरह साल बड़े हैं और प्रदीप नासिक सरकारी मेडिकल कॉलेज से सेकेंड डिवीजन में इन्होंने MBBS भी किया हुआ है बाद में उन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लिया और ट्रैन के बाद उन्हें राजस्थान कैडर मिला था उनके ऊपर कुछ विवाद भी रहे भ्रष्टाचार के आरोप भी रहे किन पर टीना डाबी के दूसरे पति जो हैं प्रदीप गवांडे पर आर एस एल डी सी मैं एमडी रहते हुए रिश्वत केस में उनका नाम सामने आया था और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन पर केस भी दर्ज किया था और इसके अलावा आठ अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया था और सितंबर 2021 में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उनसे दो घंटे की से अधिक की समय तक पूछताछ भी की थी एसीबी की दर्ज एफआईआर के अनुसार अधिकारी पहले कौशल विकास योजनाओं योजनाएं चलाने वाले ट्रेनिंग सेंटर्स को ब्लैक में ब्लैक लिस्ट करते थे फिर अधिकारियों का ही एक दल दलाल ब्लैक लिस्ट से हटाने का सौदा करता था और आर एस डी सी डीसी में भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने पर के बाद गवांडे का तबाद, तबाद, तबादला करते हुए संग्रहालय विभाग जैसी ठंडी जगह पर लगा दिया गया था और आपके अगर हम लोग इनका प्रदीप गवांडे का सर्विस रिकॉर्ड भी देखें तो कुछ खास नहीं रहा है नौ साल में इन्हें नौ बार तवा तबादला हुआ है इनका किसी भी जगह पर वो साल भर से ज्यादा टिकते नहीं है और बताया जाता है कि गवांडे का विवादों के साथ हमेशा चोली दामन का साथ रहा है जिसकी वजह से उनकी उनके जल्दी-जल्दी तबादले होते रहे और आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट में निदेशक पद पर रहन, रहने से पहले 2021 में प्रबंध निदेशक आर एस एल डीसीवी रहे 2020 में चुरु कलेक्टर 2020 में ही एडम्स एडिशनल मिशन डायरेक्टर एन एच आर एम दो हजार बीस में वही आप देखेंगे प्रबंध निदेश चिकित्सा सेवा निगम जमा जयपुर में दो हजार अठारह में कमिश्नर नगर निगम बीकानेर में दो हजार सोलह में सीईओ जिला परिषद जोधपुर 2015 में एस डी एम धौलपुर दो में आप देखेंगे उन्होंने केंद्र सरकार में सेवाएं दी और उससे पहले 2014 में बूंदी में अंडर ट्रेनिंग भी रहे हैं तो ये कहानी है प्रदीप गवांडे की पूरी और टीना ने पहले भी शादी की हुई थी आपको भी मालूम है अतः आमिर से आमिर से इन्होंने शादी की हुई थी और ट्रेनिंग के दौरान दोनों में प्यार हुआ था उसके बाद आप देखेंगे दोनों ने शादी का फैसला किया था और दोनों ने 2018 दो में शादी कर ली थी हालांकि ये रिश्ता किन्हीं कारणों से बहुत लंबा नहीं चल सका और मसलन आप देखेंगे दोनों ने तलाक ले लिया टीना और औरतहर ने नवंबर 2020 में जयपुर के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाकर एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया था जिसके बाद से कोर्ट ने दोनों की तलाक को मंजूरी दे दी गई थी और अब आप जानते हैं कि इन दोनों में तलाक हो गया तो अलग हो गए अब इन्होंने दूसरी शादी कर ली इसी कारण से आप देखिए फिर से चर्चा में बनी हुई हैं फिलहाल इन दोनों की कहानी इतनी ही है आगे क्या होता है वो आप लोग न्यूज पेपरों से देखते रहेंगे टीवी चैनल्स पर आप लोग जुड़े रहते हैं